जी हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 स्टार्ट किया हुआ था, तो ये हम कॉमन स्टॉक डिविडेंड जो है वो हम कैलकुलेट कर रहे थे, जिसमें हमने बात की थी कि पहले 2 साल आपने 1,20,000 के शेयर इशू किए थे, लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स आपने 20,000 शेयर वापस खरीद लिए, तो लोगों के पास 1,00,000 शेयर रह गए। तो 2013 और 2014 दो साल की सिचुएशन रही, तो आप सेम डिविडेंड 2 सालों के लिए देंगे, लेकिन 1,10,000 शेयर थे। उसके बाद उसमें से 10,000 शेयर आपने दोबारा से इशू कर दिए 2015 के स्टार्ट पे, और 2015 के एंड तक आपके पास अब 1,00,000 के बजाय 1,10,000 शेयर इशू है, उस पर आप डिविडेंड देंगे, तो ये टोटल कॉमन स्टॉक डिविडेंड होगा। तो जब आप इसको प्लस करेंगे, तो पहले हम जरा कैलकुलेट कर लें, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 रेट है और मल्टीप्लाई बाय 2 दो सालों का, 1,20,000, इसी तरह आपके पास 1,00,000 की अमाउंट आएगी, और इसी तरह 55,000 जो है ये अमाउंट बनी, तो टोटल मिला के 2,75,000 2,75,000 का टोटल जो है वो डिविडेंड बना। तो ये टोटल आप यहाँ पे लेस करेंगे टोटल वैल्यू से रिटेन करेंगे, तो 2,75,000 रुपये 2,75,000 कॉमन स्टॉक का डिविडेंड देना है, और आपने प्रेफर्ड स्टॉक को 15,00,000 रुपये डिविडेंड देना है। ये दोनों डिविडेंड देने के बाद आपके पास जो पैसे बचेंगे दैट इज क्लोजिंग रिटेन अर्निंग, जो इस साल आपके इक्विटी में शामिल होगी। तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट था दैट इज 37 लाख एंड उसमें से हमने जो डिविडेंड दिया है वो है 15,01,000 प्रेफर स्टॉक को, और उसके बाद हमने दिया है 2,75,000 जो है वो अपने कॉमन स्टॉक वालों को। 19,25,000 की हमारे पास जो है वो रिमेनिंग रिटेन अर्निंग बचेगी, जो कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे 19,25,000। अब एक और हमारे पास प्रॉब्लम रह गई है दैट इज ट्रेडी स्टॉक, उसका हम क्या करेंगे। उसने कहा जनवरी 2013 में आपने 20,000 शेयर्स जो हैं वो खरीदे गए हैं, 20,000 शेयर्स खरीदे हैं, लेकिन आपने खरीदे थे 4,00,000 रुपये के। आपने जो ट्रेडी स्टॉक की अमाउंट थी वो टोटल 4,00,000 थी, जबकि अगर हम उसको शेयर्स में बात करें तो वो 20,000 शेयर्स बनते हैं। इसका मतलब है अगर हम इसको 20,000 पे डिवाइड कर लें तो तकरीबन जो है वो 20 रुपये का शेयर बनेगा, एक शेयर जो है वो 20 रुपये का बनेगा। तो ये हमारे पास सिचुएशन थी जो हमने ट्रेडी स्टॉक खरीदे, तो हमें यहाँ पे आपको पता है हम करते हैं लेस ट्रेडी स्टॉक, और हम यहाँ पे 4,00,000 माइनस कर देते। लेकिन उसने आगे एक और बात कर दी है कि जनवरी 2015 को उसमें से आपने 10,000 शेयर जो हैं वो आपने इशू कर दिए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने री इशू किए हैं 10,000 शेयर, और एक शेयर अगर 20 रुपये का आपने खरीदा तो उसको आपको चाहिए था कि आप 2,00,000 के इशू कर देते, लेकिन आपने इशू किए हैं 2,50,000 रुपये से। इसका मतलब है 50,000 रुपये आपको प्रीमियम हुआ, ना प्रीमियम हुआ 50,000। अब आपने किया क्या है, 20,000 शेयर्स खरीदे थे लेकिन उसमें से 10,000 बेच दिए, तो रिमेनिंग आपके पास ट्रेजरी स्टॉक कितना रह गया, 10,000, यानी आपके पास जो ट्रेजरी स्टॉक है वो 2,00,000 रुपये से रह गया, और जो वापस भेजा था आपने ट्रेजरी स्टॉक उस पर आपको डिविडेंड हुआ है दैट इज कॉल्ड एडिशनल पेड अप स्टॉक। तो ये कॉमन स्टॉक पे था एडिशनल पेड अप, और ये आपको ट्रेडी स्टॉक पे एडिशनल जो है वो हुआ है। वो कितने पैसे बने हैं, कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, 50,000 रुपये से, जो हमने यहाँ पे कर दिया कि बनता लेना चाहिए था आपको 2,00,000, लेकिन आपने वो सेल किए हैं 2,50,000 रुपये से, तो ये जो है लेस होगा। इसी तरह ये चीज़ें लेस होंगी, बाकी सब चीज़ें ऐड करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा दैट इज रिटेन अर्निंग, और दैट इज टोटल इक्विटी, इसको हम बोलेंगे कि हमारे पास ओनर के इस टाइम ये पैसे हमारे पास मौजूद हैं। तो उसमें 30,00,000 रुपए के प्रेफर स्टॉक है सबसे पहले हम ऐड करेंगे, उसके बाद 12,00,000 रुपए से जो है वो कॉमन स्टॉक है, 7,20,000 रुपए से उसमें एडिशनल कैपिटल है, 50,000 रुपए का ट्रेडी बिल वाला है, ट्रेडी स्टॉक वाला है, और उसमें 19,25,000 रुपये की आपको रिटेन अर्निंग प्लस है, और उसमें माइनस आपने करना है जो कि 2,00,000 रुपये ट्रेडी स्टॉक वाला है। तो आपके पास
66,95,000 रुपए से इस टाइम आपकी टोटल रिटेन अर्निंग। उसके बाद बी ऑप्शन में हमें बात कर रहा है कि एज ऑफ दिसंबर 30 कंप्यूट हार्डन बुक पार वैल्यू कॉमन स्टॉक। वो कहता है आपने कॉमन स्टॉक की पार वैल्यू फाइंड करनी है, बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक की पर शेयर। इसका फॉर्मूला बनाया था टोटल इक्विटी, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स क्वेश्चन में हो तो आपने वो प्रेफरेंस स्टॉक जो है उसमें से माइनस कर देने हैं, डिवाइड बाय शेयर आउटस्टैंडिंग, जितने आपके शेयर जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपका टोटल रिटेन अर्निंग जो है, इस टोटल इक्विटी जो है वो आपके पास 66,95,000 से है, इसमें से प्रेफर जो है वो 30,00,000 आपने माइनस कर देना है, डिवाइड बाय शेयर आउटस्टैंडिंग। आपने 1,20,000 के इशू किए थे, 20,000 के वापस ले लिए, मीनिंग 1,00,000 रह गए, लेकिन 10,000 के दोबारा इशू कर दिए थे, तो इस टाइम आपके पास टोटल जो इशू है मार्केट में वो 1,10,000 है, ना 1,20,000 है ना 1,00,000 है, 1,10,000 है। तो 66,95,000 में से आपने 30,00,000 रुपये जो प्रेफर था वो निकाल दिया, रिमेनिंग बना 36,95,000। इसको आपने 1,10,000 पे डिवाइड कर देना है तो पर तो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी आपके पास कॉमन स्टॉक वाले। 1,10,000 पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे दैट इज 33.59, तो ये उसकी पर जो है पर शेयर कॉमन स्टॉक की जो है वो बुक वैल्यू। उसके बाद हमें सी ऑप्शन में कहता है एट दिसंबर 31 शेयर ऑफ द कंपनी स्टॉक वर ट्रेडिंग 30 एक्सप्लेन व्हाट वुड बी हैपन टू द मार्केट प्राइस पर शेयर हैड द कंपनी स्प्लिट इट्स स्टॉक 341 एट दिस डेट, आल्सो एक्सप्लेन व्हाट वुड बी हैपन एट द पार वैल्यू ऑफ द कॉमन स्टॉक एंड द नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग। कहता है अगर आपका जो स्टॉक है जो कि जिसकी पार वैल्यू 10 रुपये थी, कॉमन स्टॉक की पार वैल्यू 10 रुपये थी, वो इस टाइम मार्केट में इस टाइम 30 रुपये का जो है वो सेल होने लग गया, उसकी मार्केट वैल्यू 30 रुपये है, तो जब आपकी मार्केट वैल्यू इतनी बढ़ गई है तो आपने कहा मैं स्प्लिट का ऑप्शन यूज कर लेता हूँ। आपने स्प्लिट कर दिया, इसको 3 पे डिवाइड कर दिया, तो जब आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी रह जाएगी 10, और जो बुक वैल्यू इसकी पहले 10 थी उसको भी ज़्यादा आप 3 पे डिवाइड कर देंगे वो आएगी तकरीबन 3.333। इसी तरह जो आपके टोटल आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग थे, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग जो आपके पास मौजूद थे वो थे 1,10,000। अब जब एक शेयर के आपने 3 शेयर बना दिए हैं तो वो टोटल हो जाएगा 3,30,000 के। तो उसने कहा है कि अगर आपका मार्केट में एक शेयर 30,000 का हो और आप स्प्लिट का ऑप्शन यूज करें, यानी आप एक शेयर के 3 टुकड़े कर दें, तो बताएं मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग में क्या फर्क पड़ेगा। आपके मार्केट जब आप एक शेयर के 3 हिस्से कर देंगे तो 30 रुपये का शेयर जो है उसके 3 टुकड़े हो गए, तो एक शेयर बन गया, एक शेयर के 3 टुकड़े हो गए तो वो 3 शेयर बन गए, तो एक शेयर की 30 रुपये कास्ट थी वो 3 में डिवाइड हो गए वो 10 रह जाएगी, तो मार्केट वैल्यू 10 हो गई। पहले बुक वैल्यू एक की 10 रुपये थी, अब उसको 3 पे डिवाइड कर देना है तो वो हो जाएगी 3.1, शेयर की वैल्यू 3.33 रुपये हो जाएगी, और आपके जो शेयर मार्केट में पहले 100 था तो अब आपने उसको 3 गुना कर दिया ना, एक शेयर के 3 टुकड़े जो कर दिए तो शेयर बढ़ जाएंगे। तो ये मैंने आपको बात बताई थी, जब भी आप स्प्लिटिंग का ऑप्शन यूज़ करते हैं उसकी रीज़न ये होती है कि आप अपने नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनकी कीमत को, पर यूनिट कीमत को कम करना चाह रहे हैं। देखें पर यूनिट कीमत कम हो गई लेकिन नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, जो कि मार्केट में पहले 1,10,000 थे और आपने उसको एक शेयर को 3 कर दिया, 1,10,000 को 3,000 देंगे तो टोटल 3,30,000 शेयर हो जाएंगे। तो इस तरह आप बताएंगे कि ये जो है फर्क पड़ेगा। तो ये आपके पास बी ऑप्शन था, ये आपके पास सी ऑप्शन है। ये सिर्फ आपने एक्सप्लेन करना है थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद, जिस तरह की मैंने 3 दी है कैलकुलेशन, उस तरह करके आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये यहाँ तक हमारा जो है अकाउंटिंग का सिलेबस था। हमने टोटल जो है 1 to 11 चैप्टर जो है वो कंप्लीट किए हैं, इसी में से ही आपको क्वेश्चन पेपर में जो आएगा। आपने आपको तमाम चैप्टर्स की मैंने प्रॉब्लम सेट ए करवाई है, प्रॉब्लम सेट बी आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो यहाँ पे हमारा ये सिलेबस खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास जो है इंशाल्लाह हमारा जो फाइनेंस का है मामला बाकी रह गए थे उसको हम डिस्कस करेंगे।
तो अकाउंटिंग की चीज़ यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। जिस बच्चे को कोई भी इशू हो वो हम अगर जूम मीटिंग जो है वो रखकर उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें व्हाट्सएप ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, वो भी वीपी साहब क्रिएट कर लेंगे। तो उसमें जब मुझे इन किया जाएगा तो मैं आपको सारे जो है आप अपनी क्वेरीज वहाँ पे ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपके सारे क्वेरीज को जो है वहाँ पे सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। इसमें अगर कोई कमी रह जाएगी तो हम वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो है अकाउंटिंग के मामला जो है क्लियर हो गए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। थैंक यू वेरी मच।